माई चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट मैं लेकर आ गई हूँ स्टैंडर्ड फर्स्ट का जो पार्ट टू का हमारा चल रहा है टेंस एंड यूनिट। तो 70 तक तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी, आज मैं 71 से आपको आगे का कराने जा रही हूँ। टोटल 99 तक है। मैंने आपको जैसा कि बताया था 99 टेंस के बाद हमारा 100 आ जाता है, तो यहाँ पर जो है कि 99 तक हमें करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 71 to 80। देखिए यहाँ पे 71 है, ठीक है, तो मतलब कितने टेंस होंगे, 7 टेंस होंगे। देखिए 7 टेंस, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपको बताया था कि 1 का जो बंडल होगा वो 10 होता है, तो 10 20 30 40 50 60 70 और 1 मिलके हो गया 71। तो 71 में 7 हमारा टेंस है और 1 यूनिट है, सिंगल स्टिक को हम यूनिट्स कहते हैं और जो टेंस के ऐसे बंडल में होती है उसे 10 कहते हैं। ओके, सो हो जाएगा 71 और यहाँ पे है देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 टेंस, जितने भी 7 होंगे सब में 7 बंडल्स होंगे। देखिए सब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हर बंडल में यहाँ पे आपको 7 टेंस है। ओके, सो 7 टेंस 2, तो 2 यूनिट। 7 टेंस 3, सो 7 टेंस एंड 3 यूनिट। 7 टेंस 4 यूनिट। 7 टेंस 5 यूनिट, सो 7 टेंस यहाँ पे 5 यूनिट्स, यहाँ पे 7 टेंस एंड 6 यूनिट्स, फिर 7 टेंस एंड 7 यूनिट, 7 टेंस एंड 8 यूनिट, 7 टेंस एंड 9 यूनिट। फिर यहाँ पे देखिए 9 में और एक ऐड हो गया तो 10 हो गया, तो पूरे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे टोटल 8 टेंस हो गए। तो यहाँ पे 80 नंबर तक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको टेंस और यूनिट अलग अलग करके लिखना है और फिर यहाँ पे स्पेलिंग लिखनी है। 7 टेंस 1 यूनिट, 7 टेंस 2 यूनिट्स, एक रहता है तो यूनिट, एक से ज्यादा अगर हो गए तो हमें एस लगाना पड़ेगा टेंस में भी और यूनिट्स में भी। ओके, सो 7 टेंस 2 यूनिट्स, 7 टेंस 3 यूनिट्स, 7 टेंस 4 यूनिट्स, 7 टेंस 5 यूनिट्स, 7 टेंस 6 यूनिट्स, 7 टेंस 7 यूनिट्स, 7 टेंस 8 यूनिट्स, 7 टेंस 9 यूनिट्स एंड 8 यूनिट्स। ओके, सो सॉरी 8 टेंस, तो 8 टेंस मींस 80 हो गया। यहाँ पे यूनिट कुछ भी नहीं है, तो देखिए यूनिट्स के कॉलम में 0 आ गया है। ओके, एक भी यूनिट हमारा सिंगल नहीं है, तो हम सिर्फ 8 टेंस मींस 80 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे नंबर नेम लिखना है और यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं। टोटल ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसा कि मैंने कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको बता दिया था एक के बाद एक, तो यहाँ पे 72 दिया है। ओके, तो 72 के पहले क्या आएगा, 71। तो ऐसे ही आपको सीरियल कंप्लीट करना है, 71 72 73 74 75 76 77 78 79 और 80। ओके, तो यहाँ पे 71 से 80 तक हो चुका है। अब 81 से 90 जाते हैं, तो 81 है तो स्टूडेंट कितने टेंस होंगे, 8 टेंस। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टेंस 1 यूनिट्स। ओके, सो 8 टेंस 1 यूनिट्स 81 हो जाएगा, 8 टेंस 2 यूनिट्स 82 हो जाएगा, 8 टेंस 3 यूनिट्स, यहाँ पे नंबर और यहाँ पे उसका स्पेलिंग लिखेंगे 8, ये टेंस है तो टेंस, फिर 3 यूनिट्स है तो यूनिट्स, फिर हो जाएगा 83, 8 टेंस 4 यूनिट्स, 8 टेंस 4 यूनिट्स होता है 84, 8 टेंस 5 यूनिट्स 85, 8 टेंस 6 यूनिट्स 86, 8 टेंस 7 यूनिट्स 87, 8 टेंस 8 यूनिट्स 88, 8 टेंस 9 यूनिट्स 89, फिर 8 टेंस 9 यूनिट हो गया, 9 में 1 ऐड हो गया तो 10, तो 8 का 9 टेंस हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट्स में 0 आएगा बिकॉज एक भी सिंगल स्टिक नहीं है। और फिर 9 टेंस होता है हमारा 90। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 85 दिया है, तो उसके पहले क्या आएगा, 84 83 82 81। ओके, आपको बैकवर्ड नंबर जाना है, मींस उल्टा जाना है, 85 फिर 84 83 82 81। अब आप सीरियल ऑर्डर में कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 90 का भी बैकवर्ड 89 88 87 86। ओके, तो आप बैकवर्ड भी जा सकते हैं और यहाँ से देखिए 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 हो गया हमारा फॉरवर्ड नंबर। तो यहाँ पे 81 से 90 तक हो चुका है। अब लास्ट है स्टूडेंट हमारा 91 to 90। यहाँ पे हमारा जो है टेंस और यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इंट्रोडक्शन ऑफ 100 सीखेंगे। तो चलिए
91 से 99 तक भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि 9 टेंस है, 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेंस 1 यूनिट, सो 91, 9 टेंस 2 यूनिट्स 92, 9 टेंस 3 यूनिट्स 93, 9 टेंस 4 यूनिट्स 94, 9 टेंस 5 यूनिट्स 95, 9 टेंस 6 यूनिट 96, 9 टेंस 7 यूनिट्स 97, 9 टेंस 8 यूनिट्स 98, 9 टेंस 9 यूनिट 99। अब 99 में अगर 1 ऐड हो जाएगा तो स्टूडेंट हमारा नंबर बन जाएगा 100। ओके, सो 100 में 10 टेंस आ जाएगा। सो यहाँ पे हमें 99 तक करना है। टोटल ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर, राइट करेक्ट नंबर इन द ब्लैंक स्पेसेस। सो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99। ओके, यहाँ पर 99 तक हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे एक आपको कैटरपिलर दिया है स्टूडेंट, 1 2 3, टोटल 3 कैटरपिलर्स हैं। तो राइट द नंबर्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑन द बैक ऑफ कैटरपिलर। कैटरपिलर के बैक के ऊपर आपको कुछ नंबर्स लिखने हैं, तो कैसे नंबर्स लिखने हैं करेक्ट ऑर्डर में, तो करेक्ट ऑर्डर क्या है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कैटरपिलर देखते हैं। अच्छा चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमारा कैटरपिलर देखिए सबसे स्मॉल नंबर यहाँ पे है 25। ओके, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये बिग नंबर है ना, सो 25 के आगे आगे जाना है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, देन 31, 32, 33, 34, 35, 35 हो गया। अब होगा हमारा 57। यहाँ पे देखिए 57 का बैकवर्ड है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो सीधा आएगा 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। तो जहाँ पे इसका फेस है वहीं से स्टार्ट करिए तो आगे के नंबर आएंगे, अदरवाइज आपको बैकवर्ड नंबर लिखने पड़ेंगे। तो उसका फेस जहाँ से है वहीं से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे कैटरपिलर का फेस सो 41 से स्टार्ट है, तो आगे 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 57। अब लास्ट कैटरपिलर है हमारा ये ब्लू वाला, सो 81 से स्टार्ट है, तो 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93। सो यहाँ पे हमारे कैटरपिलर्स के बैक पे जो भी नंबर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी सीरीज कंप्लीट हो गई है, करेक्ट ऑर्डर हमने लिख दिया है। तो इसी के साथ साथ हमारा स्टूडेंट जो टेंस और यूनिट कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।